अजीब वाक्या सामने आया है। यहाँ टाइल्स लगाने वाले एक मजदूर ने एक महिला के कब्जे से परेशान होकर अपने 600 वर्ग फीट के प्लॉट को खजराना गणेश मंदिर में दान कर दिया है। उसका कहना है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उस महिला से अपने प्लॉट को छुड़वा सके। बुधवार को खजराना गणेश मंदिर के पुजारी और मंदिर समिति के सदस्य उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने दान पेटी से प्लॉट की रजिस्ट्री के दस्तावेज निकाले। जब उन्होंने दस्तावेजों को ध्यान से देखा तो वो प्लॉट गौरी नगर निवासी शंभूराम यादव का निकला। यादव ने कहा, एक महिला ने मेरे प्लॉट पर कब्जा कर लिया है, इसे कोई मुझे दिलवा तो नहीं सकेगा, इसलिए मैंने उसे भगवान गणेश को दान कर दिया है। यादव ने मंदिर प्रशासन से कहा कि खजराना प्रबंधन प्लॉट पर मंदिर गौशाला जो चाहे बनाए या फिर उसको बेचकर मिलने वाली राशि मंदिर के विकास कार्यों में खर्च करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैंने तो प्लॉट दान कर दिया है। खजराना गणेश मंदिर में हर 3 महीने में दान पेटियां खोली जाती हैं। इस दौरान पेटियों से भक्तों द्वारा दान की गई विदेशी मुद्रा, आभूषण, मन्नत पत्र निकलते रहते हैं, लेकिन बुधवार को 40x15 के प्लॉट की रजिस्ट्री निकली। दान पेटी से निकली गई इस रजिस्ट्री को देखकर सभी आश्चर्य में थे। दस्तावेज के हिस्से में प्लॉट के मालिक शंभूराम यादव का नंबर लिखा हुआ था। यादव ने कहा कि बड़ा बांगड़दा लेक व्यू कॉलोनी के पास प्रगति नगर में ये प्लॉट 2010 में खरीदा था। भूखंड पूरी तरह वैध है। जब 1,40,000 इस प्लॉट की कीमत थी, मैंने इसे बैंक से लोन कर खरीदा था, लेकिन कॉलोनी के 2 अन्य प्लॉट सहित उनके पास एक महिला ने कब्जा कर लिया। मैं अपने प्लॉट को महिला के कब्जे से मुक्त कराने में सक्षम नहीं था, इसलिए दान करने का फैसला लिया। यादव ने बताया, उस समय शासन प्रशासन सहित सभी लोगों के पास प्लॉट मुक्त करवाने की गुहार लगाई गई। वकील ने भी केस लगाने की सलाह दी थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण प्रकरण दायर करने में रुपए खर्च नहीं कर सकता था। मैंने पूर्व प्रशासक मनीष सिंह को भी इसके लिए फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने सीधे तौर पर मंदिर की दान पेटी में प्लॉट की रजिस्ट्री और दस्तावेज की फोटोकॉपी डाल दी और सोचा कि अब मुझे प्लॉट दान करने का रास्ता मिल जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।